तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 नंबर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं की है तो हमारी पिछली वीडियोस को फॉलो करें, और वहाँ पर मैंने ये 5th नंबर एक्सरसाइज जो है वो की है, तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम 6th नंबर एक्सरसाइज जो है वो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 6th नंबर एक्सरसाइज जो है उसमें कहते हैं कि स्ट्राइपिंग नेम्स स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द नेम। मेक श्योर यू यूज ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। ये जो स्लैश और टी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इसे कह रहे हैं। एट लीस्ट वन प्रिंट द नेम वंस सो द वाइट स्पेस अराउंड द नेम इज डिस्प्लेड, देन प्रिंट द नेम आफ्टर स्ट्राइपिंग वाइट स्पेसेस। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अलग अलग करके समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने सेम चीज जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर ली है, और अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले कह रहे हैं कि स्टोर अ पर्सन नेम, तो हमें एक पर्सन का जो नाम है वो स्टोर करना है, और जाहिर है फिर हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। तो हम अपनी फाइल जो है वो उसे बना लेते हैं, और साथ के साथ जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहेंगे। तो मैं अपने फोल्डर में वापस आ गया हूँ, जिसमें हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारी ये एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट जेएस का फोल्डर है, इसके अंदर सारी चीजें हमारी रखी हुई हैं। पर्सनल मैसेज, नेम केस, फेमस कोड टू, और हम अभी 6th नंबर एक्सरसाइज के लिए एक फोल्डर बना लेंगे। तो इसका नाम जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर दूँगा। इस फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं, और इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड। तो मैं इसे बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ से टर्मिनल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे अपनी TS config की फाइल बनानी है, तो उसके लिए मैं TSC space dash init ये कोड यूज़ करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मेरी TSConfig.json की फाइल बनकर आ गई है। अब मैं यहाँ पर npm space init space dash v एंटर, तो अब मेरी package.json की फाइल बनकर आ गई है। अब मैं npm स्पेस आई स्पेस एट द रेट टाइप्स नोड, अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो इसकी मदद से पैकेज लॉग जेसन की फाइल बनकर आ गई है और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनकर आ गया। तो अब हमें यहाँ पर गिट इग्नोर की फाइल बनानी है, गिट इग्नोर, और इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स जो है वो हमें लिखना है। तो मैं यहाँ से इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नोड मॉड्यूल्स लिख दूंगा। तो अब हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो बना लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका नाम मैं कर लेता हूँ स्ट्राइपिंग नेम्स कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेसेस जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते नाम के बीच में, तो हम यहाँ पर अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे और डॉट TS लगाकर मैं इसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना दूंगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेसेस कैरेक्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द टाइम। तो मैं इन दोनों चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको समझाता हूँ। स्टोर अ पर्सन नेम, तो पर्सन का जो नाम है वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है, उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट का यूज कर रहा हूँ, और ये कॉन्स्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, लेट यहाँ पर मैं यूज कर रहा था इससे पहले, तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ नेम, और ये नेम जो है वो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं नाम स्टोर करूँगा। तो मैं इसकी डेटा टाइप डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं अपने नाम को लिखूँगा। तो अभी मैं इसे एम्प्टी रख रहा हूँ। तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैंने लेट की जगह कॉन्स्ट का यूज़ क्यों किया है।
तो जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उनको ही इस बात का पता होगा कि लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस नाम के अंदर अगर कोई चीज आके सेव होता है इस नेम के वेरिएबल में और मैं यहाँ पर लेट लिखता, तो हम बाद में जो भी इस नाम के अंदर सेव हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ये हम कॉन्स्ट लिखेंगे तो फिर हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जो भी इस नाम के अंदर पहली दफा हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो इस नाम के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कॉन्स्ट की वजह से बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास नेम में एरर आ रहा है, तो इसे मैं पर्सन नेम कर रहा हूँ। नेम में एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नेम के नाम का वेरिएबल जो है वो किसी किसी चीज के लिए यूज हो रहा होगा, तो इसके लिए हमने पर्सन नेम यूज कर लिया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल है यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमने कॉन्स्ट का यूज किया, एक वेरिएबल बनाया है, उसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग बनाई है और जो अंदर है हमने इसके एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, अभी कोई वैल्यू नहीं रखी है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, स्टोर अ पर्सन नेम, इसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेसेस कैरेक्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द नेम। तो ये वाइट स्पेसेस होती क्या है, वाइट स्पेस जो ये कह रहे हैं, वाइट स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस को कहते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेस क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं शाहिद आफरीदी, तो आप देखेंगे कि ये जो नाम हमने लिखा है ये नाम एक ही लाइन के अंदर जो है वो लिखी हुई है, शाहिद आफरीदी एक लाइन के अंदर है। लेकिन अगर इसमें हमें वाइट स्पेसेस ऐड करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि इस शाहिद के एस से पहले मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और अब आप देखेंगे कि ये ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई है और ये नीचे वाली लाइन में आ गया है। अब मैं आई के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पर तीन लाइनें बन गई हैं, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू जिसमें नाम लिखा हुआ है, और लाइन नंबर थ्री जो कि खाली है। तो ये जो ऊपर और नीचे खाली लाइन है इसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं, मतलब ऐसी स्पेसेस जो खाली हो, और ये सिर्फ न्यू लाइन नहीं होती। अगर हम इस एस से पहले यहाँ पर स्पेस दे दें, एक दो तीन चार, मैं चार स्पेसेस दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार स्पेसेस की जगह बन गई है। अब यहाँ पर लाइन भी है ऊपर नीचे और चार स्पेसेस भी हैं। इसी तरीके से मैं आए के बाद अगर चार स्पेसेस दे दूँ, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर ये चार स्पेसेस की जगह बाद में बन गई है, यहाँ पर ये पहले बन गई है, ऊपर नई लाइन है और नीचे नई लाइन है, तो ये चारों तरफ वाइट स्पेसेस आ गई हैं इसके। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो वहां पर कह रहे हैं ना कि हमें ये स्लैश टी और स्लैश एन ये इसका यूज करना है, तो स्लैश टी जो है वो बेसिकली टैब का जो हमारा बटन है जो हमारे कैप्स लॉक के ऊपर है, उस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो वो चार दफा स्पेस कि जितनी जगह होती है ना वो एक दफा में बना देता है, मतलब वो चार स्पेसेस बना देता है टैब का एक बटन जब हम एक दफा प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि चार स्पेसेस मतलब एक टैब, और यहाँ पर भी चार स्पेसेस मैंने लिया है मतलब एक टैब, और यहाँ पर मैंने इंटर करके न्यू लाइन ली थी तो स्लैश एन के मतलब न्यू लाइन है, और नीचे की तरफ भी एक न्यू लाइन है, तो यहाँ पर भी मैंने स्लैश एन लेकर इसको वाइट स्पेस से बिल्कुल रैप कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाइट स्पेस तो समझ में आ गया होगा। तो हम अपने वीएस कोड में चलते हैं और यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर अपने नाम को लिख लेता हूँ, और इस नाम से पहले मैं कुछ स्पेसेस ऐड कर देता हूँ और मैं एक नई लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो आप ये देख लीजिएगा कि मैंने स्लैश कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर, ये जो स्लैश है ये उल्टा स्लैश है, तो ये देख लीजिएगा अपने कीबोर्ड में, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक टैब यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं इस नाम के बाद जो है टैब यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर न्यू लाइन ले रहा हूँ, फिर मैं बहुत सारे स्पेसेस दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये कॉन्सोल डॉट लॉग करके पहले दिखा देता हूँ कि ये किस तरह जो है वो मैंने लिखा है।
तो मैं अपने इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपने इस टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर लेता हूँ। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर TSC, एंटर। तो अब हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनकर आ गई है। बस मैं ऐसे नोड और यहाँ पर मैं अपने फाइल का नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी फाइल का नाम .js और इसे मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आया है। इसके ऊपर एक लाइन खाली है और इस शाहिद को जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। उसने यहाँ पर स्पेस लिया है, टैब का जो स्पेस है वो लिया है, उसके बाद भी टैब का स्पेस है, फिर नीचे जो है वो इस स्लैश एन की वजह से एक न्यू लाइन का गैप आया हुआ है। तो हम अपने कोड के ऊपर वापस चलते हैं। हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वापस आते हैं और यहाँ से मैं कॉन्सोल डॉट लॉग को हटा लूंगा। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेक श्योर यू यूज ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो ये हमने कर लिया है एटलीस्ट वंस, तो हमने दो दफा यूज कर लिया है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। प्रिंट द नेम वंस, तो ये कह रहे हैं कि एक दफा इस नाम को हमें प्रिंट करवाना है। सो द वाइट स्पेसेस अराउंड द नेम इज डिस्प्लेड। तो जिस तरह अभी हमने कॉन्सोल डॉट लॉग करवाया था, तो ये वो करवाने कह रहे हैं। तो हम अपने कोड में यहाँ कॉन्सोल डॉट लॉग पर्सन नेम और लाइन को एंड करने के लिए मैंने ये सेमी कॉलन का यूज किया। तो अभी मैंने आपको दिखाया है और ये नीचे हमारा रिजल्ट आ भी रहा है पुराना वाला, कि ये इस तरह वाइट स्पेसेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। देन प्रिंट द नेम टर स्ट्राइपिंग द वाइट स्पेसेस। स्ट्राइप के मतलब होता है किसी चीज को उतारना या हटा देना। तो ये जो स्ट्राइपिंग है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी वाइट स्पेसेस हमने अपने इसके अंदर लगाई हुई हैं, उन वाइट स्पेसेस को हटाकर हमें सिंपल इस नाम को शो करवाना है। तो मतलब हमने अपने इस पर्सन नेम के अंदर, यहाँ पर आप नोट करेंगे कि हमने न्यू लाइन, फिर टैब, फिर टैब, फिर न्यू लाइन और उसके आगे पीछे बहुत सारी स्पेसेस हमने दी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं ये सारी वाइट स्पेसेस जो हैं इसको हटा के हमें सिर्फ अपने नाम को प्रिंट करवाना है। तो इस पर्सन नेम के अंदर ये जो है हमारा स्टोर हुआ है और क्योंकि ये कॉन्स्ट है तो इसे हम चेंज कर भी नहीं सकते, तो इसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे और इसे भी मैं कॉन्स्ट दूंगा और इसका नाम मैं रखूंगा विदाउट वाइट स्पेस। इसका मैंने नाम रखा है वेरिएबल का और इसकी मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का रख रहा हूँ और इससे मैं इक्वल के साइन के बाद अपने इस पर्सन नेम के वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे सेट करवा दे रहा हूँ। अब हमने अपने इस पर्सन नेम के अंदर जो भी है वो सेट कर दिया अपने इस वाइड विदाउट वाइट स्पेस के वेरिएबल में। और यहाँ पर मैं एक जावा स्क्रिप्ट के एक मेथड को यूज़ करूँगा और जिसकी मदद से हम इस वाइट स्पेसेस को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट ट्रिम और क्योंकि ये मेथड है तो इसमें ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे और इस लाइन को हम एंड करेंगे सेमी कॉलन से। तो इस लाइन के मतलब मैं आपको समझाऊँ, तो इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है विदाउट वाइट स्पेस के नाम का और उसको हमने कॉन्स्ट रखा है, मतलब ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर जो भी चीज आ गई वो एक ही दफा फिक्स हो जाएगी। इसके डाटा टाइप को स्ट्रिंग रखा है हमने और पर्सन नेम जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है वाइट स्पेसेस के साथ, उसको हमने यहाँ पर रखा है और उसे हमने ट्रिम कर दिया है। ट्रिम की मदद से सारी वाइट स्पेसेस जितनी भी हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अब बस हमें अपने इस वेरिएबल को कॉन्सोल डॉट लॉग करवाना है। तो मैं अपने इस ऊपर वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस वाइट स्पेस वाले वेरिएबल को रख देता हूँ। तो बस अब हमें अपने इस फाइल को सेव करवाना है और इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। तो मुझे अपने इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करवाना है और इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे TSC, एंटर। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को चेक करते हैं, तो इसके अंदर हमारा पूरा कोड लिखकर आ गया है। अब बस हमें इसे नोड करवाना है, नोड और हमारी फाइल का जो नाम है
स्ट्राइबिंग नेम वो मैंने इसके यहाँ से कॉपी कर लिया है और अब मैं इसे इंटर करता हूँ। तो अब आपको मैं यहाँ से टाइपस्क्रिप्ट की फाइल से इसे कंपेयर करके बताता हूँ। ये जो कंसोल डॉट लॉग है वाइट स्पेसेस, ये वाइट स्पेस जो है वो ये नीचे वाले वेरिएबल की वजह से आ रहा है, जिसके आगे पीछे की तमाम एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गई हैं। और जो ये कंसोल डॉट लॉग में ये जो पर्सन नेम है इसके अंदर ये सारे वाइट स्पेसेस आ रही थी, तो इसके अंदर भी आ रही है। तो आपको ये पता चला कि ये जो डॉट ट्रिम हम यूज़ कर रहे हैं, इस डॉट ट्रिम की वजह से आगे पीछे की जितनी भी वाइट स्पेसेस या एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और हमारा जो नाम है वो एक ही लाइन में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही था और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कॉपी करके बना भी रहे होंगे साथ साथ। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप ग्रुप में आके जो है वो पूछ सकते हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप जो है वो उनके पास ऐड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, उसको आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में खुद ऐड कर दूंगा। और इसमें आपको कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है लाजमी पूछें या कमेंट्स करें, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो वो आपको स्पेशली बताई जाएंगी, ताकि आप अपने क्लासेस से पहले प्रिपेयर हो जाएं इन तमाम चीज़ों के लिए। और जिन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, जो डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें, तो उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है कि वो किसी जावा स्क्रिप्ट की वीडियो को देख लें, और ताकि उनको समझ आ जाए कि जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे अगर वो नहीं पढ़कर आए तो मैं खुद भी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें भी साथ के साथ क्लियर होते जाएं। जैसे मैंने लेट और कॉन्स्ट का यूज़ किया है, पहले मैंने अपने वीडियोज में लेट का यूज़ किया था, अब मैंने कॉन्स्ट का यूज़ किया है, तो आपको इन दोनों का फर्क समझ में। अब हमने यहाँ पर डॉट ट्रिम का यूज किया है, तो डॉट ट्रिम से वाइट स्पेसेस हट जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो मैंने बहुत सिंपल करके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा। थैंक यू।